Pathan doing so well, it makes me feel so happy. I mean, Shahrukh is an awesome human being and he's... शाहरुख खान की जासूसी थ्रिलर पठान भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे ज्यादा ओपनिंग वीकेंड ग्रासिक बनने की सभी उम्मीदों और भविष्यवाणियों को तोड़ दिया है। सोमवार को फिल्म की मजबूत पकड़ को देखते हुए सिद्धार्थ आनंद निर्देशित ये फिल्म अब तक की सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित होने वाली है। दोस्तों आपको बता दें कि पठान ने लगभग 5 दिनों में ही दुनिया भर में 542 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। दोस्तों आपको बता दें कि पठान ने जब 100 करोड़ रुपए कमाए थे तो हिंदी सिनेमा में सबसे तेज कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी, जिसने 2 दिन के भीतर ही 100 करोड़ रुपए कमा लिए थे। दोस्तों आप सभी जानते ही होंगे कि जब इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था तो इस फिल्म का बायकॉट किया जा रहा था, लेकिन बायकॉट का असर भी इस फिल्म पर बिल्कुल भी नहीं पड़ा है और अब ये फिल्म सुपर हिट की कगार पर पहुंच चुकी है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म ने लगभग 5 दिनों के भीतर ही 542 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। और इस फिल्म की सफलता के बाद लोगों के तरह तरह के रिएक्शन भी हमें देखने को मिल रहे हैं। अब इसी कड़ी में दोस्तों सनी देओल और बॉबी देओल का रिएक्शन भी सामने आया पठान मूवी को लेकर। बॉबी देओल का कहना है कि मुझे पठान मूवी बहुत ही अच्छी लगी और इस फिल्म को शाहरुख खान ने काफी मेहनत से बनाया है। दोस्तों बॉबी देओल ने आगे कहा कि जिस तरह इस फिल्म का बायकॉट किया जा रहा था, मुझे नहीं लगता था कि ये फिल्म चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये फिल्म सुपरहिट हो चुकी है और ये फिल्म लोगों को खूब पसंद आ रही है। दोस्तों इस फिल्म को लेकर सनी देओल का कहना था कि मुझे पठान मूवी काफी अच्छी लगी, जिस तरह लोग इस फिल्म का बायकॉट कर रहे थे ऐसा इस फिल्म में कुछ भी नहीं है। मुझे तो सबसे अच्छी बात ये लगी जब सलमान खान की इस फिल्म में धमाकेदार एंट्री होती है। इन दोनों की एंट्री को देखने के बाद मुझे फिल्म करण अर्जुन की याद आने लगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म का बजट लगभग 250 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 542 करोड़ रुपए का कारोबार भी कर लिया है। इस फिल्म ने KGF 2 और बाहुबली 2 को भी पीछे छोड़ दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये फिल्म कितना ज्यादा कलेक्शन कर सकती है। फिलहाल दोस्तों सनी देओल और बॉबी देओल के रिएक्शन पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.